जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय जिनेन्द्र। सभी मित्रों का एक और बार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। चर्चा कर लेते थोड़ा सिल्वर के बारे में, यहाँ पर अब क्या होने की संभावना है। तो कल तो जो है वो करेक्शन हो गया था अच्छा खासा, 81,000 से लेके 78,000 का जो है वो एक सपोर्ट जोन जो है वो हमने बात करी हुई है कल। तो वो सपोर्ट जोन अभी भी कायम रहेगा, थोड़ा सा आगे उसके बारे में जो है वो जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम जहाँ पर खड़े हैं 81,000 के आसपास, वो एक हमारा एक बेहतरीन सपोर्ट है। कल भी लगभग वही लेवल को काटने की कोशिश करी लेकिन ऊपर आ गए, एक भी घंटे नीचे रुका नहीं है। अगर हम वहाँ पर वो लेवल के नीचे रुकते हैं, क्लोजिंग करते हैं, तो थोड़ी सी समस्याएं हो सकती है। और नीचे में जो है वो फिर एक बड़ा सपोर्ट जो है वो मेरे हिसाब से 78,000 का ये वाला एरिया जो है, इसको हम सपोर्ट जोन जो है वो मैं मान के चलता हूँ। दोस्तों, सपोर्ट जोन का मतलब क्या है? मतलब बहुत ही छोटे छोटे लेवल पर जो है वो एक अच्छे अच्छे सपोर्ट होना कि जहाँ से मार्केट पलट सकता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, करना क्या चाहिए? मेन तो हमारा वही है इंटेंशन कि हम जो डिस्कशन करते हैं उसका सार क्या निकलता है। तो मेरा ये मानना है कि अब जो शॉर्ट में नीचे में जो काम होना था, लगभग लगभग अब हमें वहाँ से एक बार के लिए अभी थोड़ा सा हमारी पोजीशन को रिव्यू करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निकल जाना, ठीक है, वापस से आपको डिसीजन लेना है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। 81,000 से 78,000 का ये रेंज जो है वो सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो यहाँ पर जो है वो अगर चलता है ठीक है, नीचे अगर गिरे तो 500, 1,000, 2,000, 1,500, 2,500, उसके लिए उतना छोटा जो है वो सोचना हमारे लिए थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। ऊपर से मार्केट ने अच्छा खासा करेक्शन जो है वो ऑलरेडी दे दिया है, जिसकी चर्चा जो है वो हमने यहाँ पर करी हुई थी। अगर आप चाहो, आप में से बहुत सारे दोस्तों ने वो वीडियो भी देखा होगा, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 15 दिन पहले की है, 11-12 जुलाई का वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एकदम लगभग टॉप के आसपास हमने बताने की कोशिश करी थी कि जब तक 95,600 के ऊपर सिल्वर नहीं जाएगा, तब तक अब कोई नई बड़ी तेजी होना मुश्किल है, एकदम साफ शब्दों में। तो वहां से अगर हम देखें एकदम टॉप से, तो मार्केट ने तकरीबन तकरीबन अगर देखे तो 14,000 पॉइंट का करेक्शन हो चुका है। तो बहुत सारे दोस्त ये बता रहे थे या मैसेज करते कई बार कि आप खाली तेजी की बात कर रहे हो, तो अब इसे क्या कहोगे? ठीक है, फैसला आपको करना है, डिसीजन आपको लेना है। मैं तो व्यू देता हूँ, कोई भी हम जो है वो हमेशा एक न्यूट्रल रहकर डिसीजन लेने का प्रयास करते कि मार्केट क्या बता रहा है। अगर मार्केट बता रहा है अंडरटोन थोड़ा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की बात करेंगे, नेगेटिव तो नेगेटिव की बात करेंगे। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। और ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लाइव मार्केट में भी, लाइव क्लासेस में भी चर्चा करते हैं। और वहाँ पर एक अक्सर बात मैं बहुत बार बोलता हूँ कि मार्केट जो है वो बहुत ही कृपालु है, बहुत ही दयालु है, ठीक है, वो किसी को भी नुकसान देना नहीं चाहता है। तो यहाँ से जो ऊपर 95,000, 96,000 का लगभग पहले भी एक हाई लगा चुके थे हम, वहाँ से वापस 81,000 के आसपास आया और काफ़ी समय रुका है, कल रुका है, आज अभी भी रुक रहा है। तो बहुत सारे दोस्तों ने शॉर्ट बनाए होंगे, तो शायद अब वो तो समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं, लेकिन शायद एक चीज की संभावना है कि मार्केट हमें यहाँ पर एक मौका दे रहा है छूटने का, कि भी शॉर्ट किया है, किसी ने गलती हो गई है, तो यहाँ से निकल सकते, एग्जिट कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, वो समय बताएगा हमारा मानना कितना सही होता है, क्योंकि सबसे ऊपर मार्केट है। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ, कन्फर्मेशन कब आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी तो करेक्शन के अंदर ही है। कल भी जो है वो हमें यहाँ पर एक बात करी थी 82,500 का लेवल, तो वो लेवल अभी भी हम बरकरार रखते हैं कि अगर हम ये लेवल को ऊपर काट के रुकने में कामयाब होते हैं, तभी कोई एक तेजी का कन्फर्मेशन आएगा कि हाँ भाई, यहाँ से एक बार के लिए एक अच्छा उछाल होगा। तो कल भी देखे तो लगभग वो लेवल ऊपर नहीं काट पाए थे, छोटा सा बाउंस लेना है तो 81,900 के ऊपर अगर रुके तो थोड़ा छोटा मोटा बाउंस जो है वो अगर मार्केट लेना चाहे तो ले सकता है। अभी हम बाउंस वर्ड का यूज कर रहा हूँ दोस्तों, नई तेजी की बात नहीं कर रहा हूँ। नई तेजी का जब कन्फर्मेशन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम
82,500 के ऊपर नज़र रखेंगे कि वो लेवल क्रॉस करने के बाद एक आध 2 घंटे रुकने के बाद हमें कम से कम अब शॉर्ट वाली पोजीशनों से दूर रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप समझदार हो, आपको जो ठीक लगे वो डिसीजन आपका है। बाकी मार्केट हमें एक मौका दे रहा है कि भाई किसी की गलती हो चुकी है तो चलो भाई आओ यहाँ से फटाफट निकल लो शॉर्ट में से, ऐसा अभी मुझे लग रहा है। बाकी कितना सही होता है वो समय बताएगा। किसी भी कारण से अगर 78,000 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर खतरा बढ़ सकता है नीचे की तरफ, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें कल रात को भी हमने लाइव मार्केट की चर्चा में वहाँ पर हमने डिस्कशन करी हुई है और उसका वीडियो भी बन चुका है। तो अगर लाइव मार्केट की लाइव क्लासेस की सबसे खास बात यही है दोस्तों कि कोई दोस्त अगर ना जुड़ पाए समय से, समय ना मिले, तो उसका वीडियो बन जाता है और वो वीडियो भी आप पूरे 3 महीने तक दे सकते हो। और आगे के जो लाइव किए हुए हैं हमने पिछले 4-1 महीने से, वो सारे वीडियो भी अभी भी अवेलेबल है और वो भी आप देख सकते हो। तो ये एक नई चीज़ है क्योंकि मुझे भी पता है बहुत सारे दोस्त काम करते होंगे दूसरा और साथ में ये काम करते हैं, इसके लिए वो एक नया कंसेप्ट है कि लाइव में ना जुड़ पाए तो वीडियो बन जाता है और वो वीडियो फिर कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सीखने का पूरा जो है वो सीखने सिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। कल भी एक दोस्त ने पूछा था कि आप लाइव की बहुत चर्चा करते हो, बिल्कुल करता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आने का मेरा एक ही मकसद है कि सब अपने पैरों पर खड़े रहे और सीखने की कोशिश करें, ठीक है। सीखना जरूरी है मार्केट के लिए। बात कर लेता हूँ थोड़ा सा गोल्ड के बारे में आगे, फिर बाकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो गोल्ड अभी कुछ चल रहा है 67,700 के आसपास, एक हमने सपोर्ट इसका चर्चा किया हुआ था 62,200 का। तो आज जो है वो इसमें एक सपोर्ट जोन की चर्चा करने की कोशिश करता हूँ 67,150 से लेके 66,600 का जो लेवल है 600 के आसपास, ये वाला जो है वो अब गोल्ड के लिए मैं सपोर्ट जोन मान के चलता हूँ। अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक करता है तब जाकर अब कोई नया करेक्शन हो सकता है। बाकी ये सपोर्ट जोन से जो है वो अगर मार्केट उछलना चाहे ये वाले एरिया से तो उछलने की उम्मीद लग रही है। कन्फर्मेशन कब आएगा मेन बात तो वही है, वो आपको बता देता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि 68,300 के ऊपर अगर हम चलने की कोशिश करते 300-350 तो फिर यहाँ से एक बार के लिए बाउंस होगा। क्या वो बाउंस तेजी में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा वो समय बताएगा, धीरे धीरे हम जो है वो उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर इनिशियल लेवल पर अगर हम 68,300 के ऊपर चले तो हमारे लिए पहला सिग्नल होगा कि वहाँ से मार्केट एक बार के लिए बाउंस हो सकता है। तो वहाँ पर जो है वो हमें कम से कम शॉर्ट वाली पोजिशनों से दूर रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बात कर लेते थोड़ा सा डॉलर टर्म के ऊपर सिल्वर के अंदर। तो डॉलर टर्म में हमने जो है वो कल एक सपोर्ट चर्चा किया था 27.50 का, तो लगभग वही लेवल के आसपास आके मार्केट ने जो है वो 44 का लो लगा के एक बार बाउंस लिया है। अच्छा खासा बाउंस है, लगभग लगभग अच्छी जो मूवमेंट हुई है 2% की। तो यहाँ पर अगर कोई बोले कि भाई अब सपोर्ट टूट गया है आपका, आप गलत हो गए, तो ठीक है दोस्तों, 5-6 बेसिस का उतना तो अब गाड़ी में भी अगर आपकी इच्छा होगी ब्रेक लगानी है तो गाड़ी भी आप अगर जैसे ब्रेक मारो तब नहीं रुकती है तो मार्केट कैसे रुकेगा। अगर एक गाड़ी हमारे कंट्रोल में नहीं है छोटी सी, तो इतना बड़ा मार्केट है वो एग्जिट लेवल पर उसके आसपास, इसके लिए हम बात करते कि बफर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्केट में देखना पड़ेगा। तो 27.50 ये एक अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे छोटे छोटे सपोर्ट है वो बता देता हूँ 27.35, 27.20 और 27, ये और नीचे 27 का लेवल अगर तोड़ के नीचे जाए तो कुछ फिर थोड़ा करेक्शन ज़्यादा होगा। तो 27 से लेकर 27.50 उसका सपोर्ट जोन जो है वो मैं मान के चलता हूँ। अच्छा रिकवरी होने के लिए 28.05 ये लेवल के ऊपर चलना जरूरी है। अगर हम वो लेवल पर जाके रुक जाते अच्छी तरीके से तो एक बढ़िया बाउंस जो है वो आ सकता है। फिर 28.60 के आसपास जो है वो एक नया ब्रेकआउट का पॉइंट है, तो वहाँ पर हम ध्यान रखेंगे। तो ये बात हो गई हमारी सिल्वर के बारे में। बात कर लेता हूँ गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड के अंदर जो है वो यहाँ पर पहले थोड़ा सा रेजिस्टेंस की चर्चा कर लेते। तो 2381 का एक नज़दीक का रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस मैं मानता हूँ 2405 के आसपास है, ठीक है। तो 2380, 2395, 2405 ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस के लिए। जब तक
2405 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम बाउंस मानेंगे, वहाँ पर ठीक है एक खतरा बना रहेगा। बाकी नीचे में जो है वो अगर हम रुकते हैं 2354 के नीचे, 2354 ये वाले लेवल के नीचे रुकने की कोशिश करते हैं तो फिर ये करेक्शन थोड़ा सा और आगे बढ़ सकता है, तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ गोल्ड की भी बात हो गई, एनजी क्रूड के ऊपर भी देख लेते हैं। एनजी की बात कर लेते हैं तो एनजी जो है वो 172 के आसपास चल रहा है, तो लगभग हमने वही एक लेवल चर्चा किया हुआ है 170 का एक सपोर्ट जोन है। अगर ये सपोर्ट के नीचे रुकने की कोशिश करे तो थोड़ा सा एनजी में डेंजर जोन आ सकता है, तो थोड़ा सा हमें सावधान रहना चाहिए। नीचे में जो है वो कुछ अहम सपोर्ट जो है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैं। 182 जो है वो ऊपर के लिए हमारा स्ट्रांग रेजिस्टेंस रहेगा, नई तेजी जब तक इसके ऊपर जाके रुकता नहीं है तब तक मुश्किल लग रही है, तो अभी 170 से 180 का जोन है। 170 के नीचे अगर चलने की कोशिश करें तो कुछ अच्छे सपोर्ट 165, 160, 154 ऐसे कुछ अहम सपोर्ट है, तो इसके नीचे मतलब एक डेंजर जोन जो है वो ओपन हो सकता है। नई तेजी मेरा मानना है 180, 150, 182 ये वाले लेवल के ऊपर ही होने की संभावना है, तो वहाँ पर हम ध्यान रखेंगे। क्रूड, तो क्रूड जो है वो अभी तो थोड़ा सा साइडवेज जोन के अंदर है, 6400 का एक सपोर्ट हमने बात किया हुआ है, तो लगभग वो सपोर्ट से कल भी जो है वो 5-15 पॉइंट ऊपर नीचे जाके वहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करिए। तो अभी नज़दीक के जो सपोर्ट है वो आपको बता देता हूँ, 6490, 6400 दूसरा एक बड़ा सपोर्ट है, एक रेंज उसकी बनी हुई है ऊपर में 6615, वहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, और उसके ऊपर चलता है तो 6725। तो ये कुछ रेंज वाला मार्केट अभी क्रूड का है, आइदर साइड में जब तक अब चलता नहीं है तब तक थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो आप थोड़ा सा संभल कर रहना। 6400 के नीचे बड़ी खराबी होगी, आगे भी हमने बात करी है अभी भी वही बात कर रहा हूँ, तो 6615 के ऊपर ये छोटा सा नया जोन जो है वो ओपन होगा, लेकिन SL लगाना खास जरूरी है, बिना SL काम करना रिस्की हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पर करता हूँ पूरा। अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा देना, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में बने रहे, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।